नमस्कार प्रणाम लाल। चारधाम यात्रा की इस कड़ी में मैं हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आने से पूर्व की फ्लैशबैक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं था बद्रीनाथ में कल। आना वो वसुधरा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद लगभग 6:30-7 बजे के आसपास पहुँचे थे हम GMVM के यात्री निवास बद्रीनाथ में। फिर वहाँ से हमें पहुँचना था ऋषिकेश, बट ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट कोई इवनिंग में बसें होती नहीं क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने की वजह से नाइट में कोई बसें वहाँ से आती नहीं ऋषिकेश। तो हमें वहाँ पर काफ़ी देर वेट करना पड़ा स्टैंड पर। हम जब इंक्वायर की तो पता चला रही बसें एडवांस में बुकिंग चल रही है, इस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। बाई लक हमें एक टैक्सी मिल गई जिसके साथ बार्गेनिंग की और लगभग 3500 रुपये का चार्ज लिया और उसने हमें छोड़ दिया श्रीनगर। लगभग रात को 3:30 बजे के आसपास पहुँचते हैं हम श्रीनगर और वहाँ लगभग 15 मिनट वेट किया तो एक और टैक्सी मिल जाती है जिसने पर पर्सन 300 रुपये चार्ज लिया और हमें छोड़ दिया ऋषिकेश। मॉर्निंग में 6 बजे हम पहुँचे थे ऋषिकेश और हमने आज GMVN का होटल लिया था और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा होटल। ये होटल था, अभी अस्त व्यस्त हो रखा, सामान सारा बिखरा पड़ा है हमारा। फैमिली हॉल लिया था हमने पूरा और आप देख सकते हो ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये बाथरूम वगैरह थे हमारे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी GMVN की। यहाँ पर भी एक टॉयलेट था और इधर गैलरी है बैक साइड में, बैक साइड में बैठने के लिए। और ये बैक साइड का व्यू है, देख सकते हो रूम को। 4 बेड इसमें लगे हुए हैं। अभी रूम के फ्रंट साइड का व्यू दिखाऊं तो ये फ्रंट साइड, चलते हैं आप थोड़ा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करेंगे। ऋषिकेश में भी बहुत गर्मी है, कोई अगर समर वैकेशन के लिए ऋषिकेश को सिलेक्ट कर रहा है तो मैं उसे मना ही करूंगा, काफ़ी गर्मी है दोपहर में। अभी शाम के 6 बजने को आए फिर भी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर यानी गर्मी फील हो रही है। ये सामने जो सेतु दिखाई दे रहा है यही जानकी सेतु है, ये है जानकी सेतु और यहाँ से रामदुल्ला 900 मीटर है और हरिद्वार 30 किलोमीटर। यहाँ पर केवल पैदल और दुपहिया वाहन ही अलाउ है। और ये बह रही है गंगा रिवर। फिलहाल जानकी सेतु पर टहल रहे हैं हम और काफ़ी क्राउड है यहाँ पर। फिलहाल जानकी सेतु से नीचे की ओर उतर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सेतु है। पतली पतली गलियों से ट्रैवल करता हुआ खुद ही नहीं जानता न जाने कहाँ पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हो वो है जानकी झूला और उसके किनारे पर घाट बना हुआ है खूबसूरत, और ये है राम झूला और इसके अंदर रिवर राफ्टिंग भी की जाती है जो काफ़ी आगे से होती है और वहाँ से रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग यहाँ तक पहुँचते हो। आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं और लोगों ने दीपक भी इसमें प्रवाहित कर रखे हैं। और आप देख सकते हो मेरे आगे माँ गंगा की आरती हो रही है, आप देख सकते हो। ये ओंकारानंद घाट और इसके पीछे पर थोड़ा पास में हो रही है गंगा आरती। काफ़ी लोग माँ गंगा के किनारे टाइम स्पेंड करने आते हैं, बहुत लोग यहाँ पर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने व पितरों की अस्थियों को विसर्जित करने आते हैं।